तो मेरे भाई लोग आ चुके हैं कॉलेज पर जुम्मा लड़की के इम्प्लीमेंट के साथ, जिसमें भाई तो भाई बहुत मन मार गया है। तो भाई डायरेक्ट गेम प्ले की बात करते हैं, उतरे थे फैक्ट्री में, भाई बहुत बंदे आए थे। तो मैं यहाँ गन की तलाश में आता हूँ, लेकिन भाई गन मुझे मिलती नहीं है, मैं तीर कमान से तो रश कर नहीं सकता था। तो जब तक मेरी लूट कंप्लीट होती है, आधे बंदे मर जाते हैं और जो बचे रहते हैं वो गाड़ी लेकर चले जाते हैं। तो मैं वाले बंदे पर फायर करता हूँ, लेकिन वो बच जाता है। तो उसी के बाद मैं भी यहाँ से इसकी करता हुआ गाड़ी लेके बॉट ऑट मार के आगे की ओर चला जाता हूँ। तो उसी के बाद मैं पिटता पिटता यहाँ से जा रहा था, मुझे यहाँ स्पाइडरमैन का भाई दिखता है। तो चचा ये जितनी तेज़ी से कूदे हैं उतनी तेज़ी से जाएंगे, तो देखो उनको कैसे बजाएंगे। ये लो भाई ऐसे आ रहे हैं जैसे इनका ही घर हो। तो उनको ही ना भाई इसको ही बजा दिया। तो यहाँ इनसे एक ही मुखाते हैं और देखो भाई किल चोरी। वो बंदा पीछे से पिट के आ गया था और मैं सिर्फ एक गोली टच करा के उसको मार देता हूँ, और ये आला बंदा था जिसने मारा था। तो मैं यहाँ पे जान जाता हूँ, यहाँ से तो कुछ होने वाला है नहीं और जोन भी आ गई थी, तो इसलिए मैं यहाँ से आता हूँ। और भाई यहाँ पहाड़े से कोई स्नाइपिंग कर रहा था, मुझे पक्का लग गया था कि यहाँ कोई ना कोई तो बंदा होगा। भाई देखो कैसे बजाएंगे उसको। भाई अब तुम गेस करो इसके पास कौन सी स्नाइपर होगी यार। ये लो भाई AWM से ये बहुत अत्याचार कर लिया। मेरी बात नहीं, मैं उसे एक बार मैं भी यहाँ से AWM को उठाता हूँ और मैं एक और बंदा दिख जाता है जिसको मैं एक बॉडी शॉट देता हूँ, लेकिन यहाँ कुछ होने वाला था नहीं, तो मैं भी पता है। तो मैं सोचता हूँ कि मैं इस पर रश कर देता हूँ, लेके जाता हूँ, लेकिन तभी मुझे पता चलता है कि वो अपने में ही है, तो वो वाला बंदों को तो आना ही पड़ेगा। दोबारा पहाड़ी पे चला जाता हूँ। भाई और भी स्केल के वाले वाले बंदे को मारो। अरे अभी एक को मारा, तुम कहाँ इतना परेशान हो रहे। चलो भाई इसको भी बहुत गंदी मौका मारेंगे बस। तो उसी के बाद मैं यहाँ पे हील करता हूँ, तभी मुझे वाला बंदा दिखता है, एक बॉडी शॉट पड़ता है। उसके बाद मेरा निशाना चूक रहा था। तो यहाँ पर मैं घटिया वाला स्प्रे देता हूँ, तो मैं जान गया था होने वाला है, तो मुझे घर आना दिखता है। और भाई मैंने जल्दीबाजी में यहाँ पे फायर दे दिया और वो बंदा नीचे। उसके बाद वाला बंदा मुझे अब दिखता है जिसको मैंने बॉडी शॉट दिया था। जोन बन गया था वाला बंदा, उसके बाद दिखाई नहीं दे रहा था, झूला वाला भी नहीं दिखाई दे रहा था। तो बहुत देर बाद वाला बंदा दिखता है। भाई एकदम इसी के बाद मैं एक और इसको बॉडी शॉट देता हूँ और ग्रेनेड फेंक देता हूँ। मैं सोचता हूँ ये सैड ग्रेनेड वो लूट करने जाए और मारा जाएगा, लेकिन ना भाई ऐसा कुछ नहीं होने वाला। उसी के बाद मैं वाले बंदे को देख रहा था, तो मुझे उसका थोड़ा सा हेलमेट दिखता है। तो भाई मैं उसको बिल्कुल भी K98 का चलाने का मौका नहीं दे रहा था, क्योंकि मेरा हेलमेट वैसे ही सारे डैमेज हो चुका था। और TP भी नहीं ले पा रहा था अच्छे से। और भाई ये देख लो मौली चौली पता नहीं क्या क्या मुझ पर बंदा फेंक रहा है, तो एक ही बंदा बस बच रहा था। तो भाई देखो तुम
लड़की के साथ चिकन डिनर आ गया है, तो भाई मैं इस बंदे की गलती बताता हूँ। ये अगर बंदा मुझ पर फायर ना दे तो शायद मैं वो ना जान पाता कि ये बंदा है। और भाई मैं तो सोच रहा था कि वो फेक स्मोक कर रहा है मुझे मारने के लिए। तो भाई तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई लाइक सब्सक्राइब भाई जरूर कर देना। तब तक ले बाय।